आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 7H न्यूज, सच को रखे आपके आगे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जंगम मेट में माजिद खान नामी एक शख्स पर इन्हीं के साले इमरान शाह और इरफान शाह ने मिलकर कर दिया है हमला। तफसीलात के मुताबिक माजिद खान का कहना यह है कि इनका और इनकी बीवी से कुछ आपसी झगड़ा हो गया था, अब इस बात को लेकर इनके सालों ने अपने ही बहन भाई पर हमला कर दिया। इस हमले में माजिद खान मामूली से जख्मी हो गए हैं। माजिद खान ने फौरी फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने इन्हें दवाखाना उस्मानिया MLC के लिए रवाना कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अचानक आगे मेरे पास हमला कर दिया, मेरे साले मेरे को मार के पैर ये कर दिए मेरा, और हाथ पूरा देख सकते हैं आप, हाथ पूरा ये कर दिए और ऊपर से यहाँ पे भी ये पूरा। मारने की वजह क्या है, मारे कौन आप? ये मेरे साले इरफान और इमरान, साले आपके? हाँ, इन लोगों को ज़्यादा मस्ती चढ़ गई, बहुत होटल ही कमाई और ऊपर से औरतों ही कमाई, इन लोगों को ज़्यादा हो गया। आज क्या हुआ था जो आपके ऊपर अटैक हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ बात ही नहीं इन लोगों से, मेरी बात भी नहीं हुई। आपके वाइफ से कुछ झगड़ा था आपका? मेरी वाइफ का मेरा थोड़ी बातचीत अमन हुई, सुबह में चलेगा, मैं निकल गया घर में से, निकल के चले गया, मैं आगे मेरे भाई बहन के पास खड़े हुआ था, अचानक आगे मेरे ऊपर हाथ उड़ा दिए लोग। तो कहाँ पर मारे आपके? जंगामेड़ में मारे मेरे को। आपका मकान कहाँ है? मेरा मकान जानुमा में है। फिर वहाँ पर जंगामेड़ में अटैक कैसे हुआ? जंगामेड़ में मेरी बहन का घर है, मेरी बहन के घर के पास खड़े हुआ था मैं, आगे अल्लाह मेरे को हाथ उठा दिए और 15-20 जनों को ले लेके आए, आगे ताहुआ में संगा ले लेके आए, वो तो हमारी बहन आके मेरे ऊपर गिर गए बोल के बच गया मैं। नहीं तो आज मेरा मटर था इतना शालीबंडा, क्या बोलते हैं, तो शालीबंडा पीस लगता है लोगों को। कुछ हथियार थे लोगों के सर जी? कुछ हथियार थे क्या? हाँ, हथियार था लोगों के पास, इरफान नाम है, इरफान शाह, इमरान शाह। ये लोग मिश्रीगंज के रहने वाले, काला पत्थर मिश्रीगंज के रहने वाले लोग, ये लोग रेडियो को पालते ना पूरे 20-25 ले लेके आए याया होटल पे, जो याया होटल है इन लोगों की से वो। अच्छा, 24 घंटे जो होटल हुकूमत खुला रखी ना, इन लोगों को 24 घंटे जो हुकूमत खुला रखी ना होटल, इन लोगों की होटल बंद करो, इन लोगों की 24 घंटे नहीं खुला रहना। होटल वाले इन लोगों की होटल क्या बोलते, 10 बजे जाओ दुनिया बंद कर रही, इन ही बंद करना बस, नहीं साहब जी जी दुनिया बंद कर रही, बता इला ही बंद करना, इन लोगों को खुला छोड़ दे रहे हैं, खुली छोड़ दे रहे हैं, इन लोगों को खुली छूट देने की तरफ से। कितने लोग थे आपके ऊपर हमला करने वाले? मैं तो अकेला खड़े हुआ हूँ, मेरे बहन का मेरे घर मेरी बहन घर के खड़े हुआ हूँ मैं। कितने लोग हमला करने वाले? कितने आए लोग? अच्छा, एक गाड़ी छोड़ के भाग गए लोग, ऑलरेडी हमला फलकनुमा PS के हवाले कर दिए गाड़ी को। शादी हो गया कितना टाइम हुआ आपकी? जी मेरी शादी हो गई 17 साल हो गया, 16 साल। 16 साल, कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 4 बच्चे हैं और एक होने वाला छे। आप अभी क्या पुलिस वाले क्या बोले? पुलिस वाले ताउन करे मेरे को, आप जाओ मैंने को जाओ, आप जाइए केस बुक कराओ बोले। मैं इंशाल्लाह जो MLC ले लिया, अल्लाह चाह तो इन लोगों के ऊपर अच्छा केस बुक करके इन लोगों को जेल को भिजाना है। इन लोगों से पहले कुछ मारपीट हुई थी ऐसा? नहीं, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम इन लोगों के संग। आपके तो 2 साले थे, लेकिन आने वाले इतने लोग आते थे तो वो कौन थे? उनके दो पिटो आए इन लोग हैं। अच्छा, उनके दोस्त वगैरह? उनके पिटो आए इन लोग हैं। कुछ कैसा है आपके सालों के, कुछ कैसा है पहले से प्रीवियस? कुछ भी कैसा तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन मेरे को मालूम भी नहीं है वो चीज़ कैसा है नहीं है, मेरे को नहीं मालूम वो तो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको इनकी होटल बंद होना, इनके ऊपर कैसा बुक होना, बुक हो गए इनको जेलों को भेजाना है इन लोगों को, आइन का दोबारा नहीं करना। और पहली बात तो सुबह बड़ी बात तो ये है कि मैं इनकी बहन को अच्छा रखा, कोई तकलीफ नहीं दिया इनकी बहन को, मैं अच्छा रखे हूँ। यहाँ भी मैं हर किसी से झगड़ा होता भाई, हर किसी का होता तो इन्हें कौन हाथ उठाने वाला आके?
इसका कोई अमल दखल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कैसा करता, तुम तो भी औरतों के दीवाने ये लोग, जो लोग रख के औरतों के दीवाने ये लोग, वीडियो भी है, मैं वीडियो में देता हूँ आप लोग, लेकिन वीडियो भी है, वीडियो में देता हूँ आप लोग। ओके। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।